कोई भी टैलेंट, कोई भी हुनर बगैर अपॉर्चुनिटी के कुछ नहीं। कपिल शर्मा क्या था, अमृतसर में एक नाटशाला में काम करता था, कोई पूछता ही नहीं था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई। और जब वो नेशनल लेवल पे आया था, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, एक दिन में ओवरनाइट पूरी वर्ल्ड ने उसको रिकॉग्नाइज किया। रांची ट्रॉफी में खेलते हो कौन पूछता है, लेकिन जब आईपीएल में आके कोई छक्का मारता है बोलता है वाह लल्ला क्या बात है, छाया धूप बगैर बादलों के क्यों। It's about harnessing your talent, controlling your talent. घोड़ा बेलगाम हो ना तो गिरा दे, लेकिन उसके लगाम हो तो मनचाही मंजिल पे पहुंचा। और आप तो अरबी घोड़े हो, अरबी घोड़ा चाहे दुबला भी हो गधों के अस्तबल से कहीं तगड़ा होता है, ठोको ताली। नौजवानों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। It's about doing justice to your talent. It's about giving wings to your aspirations. नौजवान सपना देखता है, सपना देखता है कि मैं ये बनूं। कोई कहता है मैं एक्ट्रेस बनूं, कोई कहता है मैं एक्टर बनूं, कोई कहता है मैं फोटोग्राफी में मास्टर हो जाऊं, कोई फाइन आर्ट्स का सपना देखता है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता गुरु, हौसलों से उड़ान होती है। Our leader has instructed us, and he is the brainchild of this policy. Gautam has worked tirelessly because this is a novel idea. It's a different idea. अलग है, हटके है कि भाई आपको क्या चाहिए। और आज राजनीति मैली हो गई, एक्सेप्ट इट, राजनीति गंदा हो गई, राजनीति पैसे कमाने का साधन हो गई। प्री इंडिपेंडेंस राजनीति पे विश्वास था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द ग्रेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कार पे लोन लिया था और कार का लोन नहीं उतरा मुझे, ये ईमानदारी थी। आज बनता पहले 5 साल में लूट लूट के ठूस ठूस के अपना पेट भर भर के, पीपल हैव एक्चुअली इरेज्ड द ट्रस्ट डेफिसिट हैज कम इन, और वो विश्वास पैदा नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू डंके की चोट पे एक बात कहता है, एंड यू नो द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट अ पॉलिटिशियन कैन रिसीव इज विनिंग एन इलेक्शन। यू नो आई हैव नॉट वन 6 इलेक्शंस, इट इज द पीपल ऑफ अमृतसर हु मेड मी विन दोस 6 इलेक्शंस। दैट इज द ग्रेटेस्ट बेंचमार्क इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। और मेरा एक एम है, मेरा एक गोल है, वो एम ये है कि हर इंसान अपने घर में, और इसीलिए मैं इस इंस्टीट्यूट को भी बहुत प्यार करता हूं, हर इंसान अपने घर में चाहता है बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और पैसे कमाए। आज क्यों इस देश में लोग अपने घर में ये नहीं कहते कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन बने, क्यों नहीं? लेकिन सिद्धू के अमृतसर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उठ के कहते हैं कि मेरा बेटा सिद्धू जैसा बनेगा पॉलिटिशियन, ईमानदार। And it's, you know, apolitical. Today's function is apolitical. कोई ये नहीं है कि ये कांग्रेस को बेनिफिट देगा, ये देश के लिए भाई, हिंदुस्तान के लिए, जो भरा नहीं है बालों से पहनती, जिसमें रसदार नहीं वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। थैंक यू सर। अभी जैसे कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मिनिमम सैलरी की योजना कांग्रेस लाएगी, और जैसे आपने अभी अभी कहा कि आज युवा को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसे अपना सपना पूरा करना है, तो मिनिमम जो सैलरी कांग्रेस देगी उससे हम लोग हमको उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट है, तो इस पर आपका क्या, आपकी क्या राय है? मिनिमम इनकम की गारंटी है, मिनिमम सैलरी की गारंटी, ये एक सिक्योरिटी वाला फैक्टर है। जिसके पास कुछ नहीं है वो असुरक्षित रहता है, तो ये नौजवान के लिए एक सुरक्षा कवच है दोस्त, कि भाई तुम्हारे पास ये मिनिमम गारंटी है
इसके आगे बढ़ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो राहुल भाई कहता है मैं हूं ना, तो कोता मैं हूं ना, वो मैं हूं ना जो है वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पेरेंट्स भी कहते हैं मैं हूं ना, और जो दोस्त कठिन वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए वही अच्छा दोस्त होता है, वही सच्चा दोस्त होता है। अब इस पॉलिसी को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इट इज योर चॉइस, प्योरली योर चॉइस। लोकतंत्र में यही ड्यूटी है। कुलीन तंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, टेढ़ा हो मेढ़ा हो रूला हो लंगड़ा हो धृतराष्ट्र हो अंधा हो, रानी के पेट से पैदा हुआ इसलिए राजा। फिर आया राजतंत्र, राजतंत्र में जो तगड़ा वही राजा। अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा दौड़ता था, पीछे सेना दौड़ती थी, घोड़ा पकड़ा जो तगड़ा वही राजा। लेकिन बेटा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। तुम बनाते हो राजा, तुम भी गिराते हो, तुम ही बनाते हो। और लोकतंत्र में आवाज गूंजती है, आवाज एक खलक नगाड़ा है खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज। So we are here to address the सोच से सोच की लड़ाई। I'm asking you, can we change this concept to satsang or shastrarth? Satsang and shastrarth. Satsang, oh. Oh. देखो हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ी चीज आती है कि राज बिना नहीं धर्म चले, राज बिना नहीं धर्म चले हैं, और धर्म बिना सब गले मले। ये साथ साथ चलाने की प्रथा भी भारतीय संस्कृति में है, लेकिन एक बात पक्की, ये गुरुओं ने पीरों ने पैगंबरों ने कहा है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं दोस्त, कि साच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम की ओर तिन ही प्रभ पायो। और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान। So anything that propagates peace, anything that brings in peace will usher in prosperity. आपका सबसे पहला fundamental right is peace and prosperity. अमन अमान, किसी भी society का पहला political अधिकार जो fundamental rights में आता है, it's written in the Constitution of India. वो है spirit क्या है? No discrimination on the basis of caste, कलर एंड क्रीड। नंबर दो आपकी सुरक्षा, हेट्रेड प्यार में, यही तब्दील करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई है। और अगर लोकतंत्र पीस को एस्टैब्लिश करता है तो लोकतंत्र का मकसद सॉल्व होता है। आई विल डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड टिल डेथ योर राइट टू से माय लाइफ। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। नाउ गो अहेड। ये अगर मगर नहीं चलेगा, सीधा बोल, सीधा बोल, सीधा सीधा बोल, बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल गांधी आ हुआ। अगर कांग्रेस पावर में आती है, कांग्रेस पावर में आएगी, गर्मी चली गई, सर्दी आ गई, सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, तो सर यंगस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी होगी और बिजनेस क्लास पीपल के लिए क्या पॉलिसी होगी? क्योंकि हमें मिनिमम इनकम नहीं चाहिए, हम लोगों को कर्ज माफी भी नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, वो कौन लेगा? कांग्रेस पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी है दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी गलती नहीं की या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई गलती नहीं की, लेकिन जिसने 70 साल में से करीब करीब 60 साल इस देश को चलाया, उसके पास वो विश्वास है। और कोई कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी भी नहीं है कि बर्फ की डली है जो धूप में पिघल जाए, समझा? नहीं, कांग्रेस के पास वो वेयर विदऑल है, वो विश्वास है। और विश्वास कोई कमल का फूल नहीं है जो धूप में पिघला जाएगा तुम ला जाएगा, ये तूफानों में भी तुम्हारी नैया को खेता है, राइट? अब सवाल जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ होते हैं। जब आप इतने बड़े बड़े वायदे कर देते हो जो बांस की तरह लंबे लंबे हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं, समझे ना, तो फिर लोग विश्वास खो देते।
सबसे बड़ी संपदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी पॉलिटिकल इंसान की, लोगों का विश्वास है दोस्त। और वो विश्वास अगर टूटता है तो फिर सरकारें पलटती हैं। और एक बात याद रखना, दूध को भट्टी पे रख दो तो दूध का उबलना निश्चित है, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित है। फिर मेरे से शेर सुन ले इस माहौल पे, ये 15 लाख रुपए, ये गंगा साफ हो गई, गंगा साफ हो गई नहीं हुई, 2 करोड़ रोजगार मिल गए नहीं मिले ना, नहीं मिले ना, नहीं मिले, वो 15 लाख रुपए जमा हो गए नहीं हो गए, तो मिला क्या बाबा जी का टुल्लू। द पॉइंट इज ब्रो के वो लंबे लंबे वायदे हैं, वो अंदर से खोखले हैं, और जो हमारा लीडर कह रहा है वो गन्ने के दरख्त की तरह है, लगता थोड़ा छोटा पर अंदर से भी मिठू मिठू, बाहर से भी मिठू मिठू, समझा नहीं, मत रोको ठोको। बिट ऑफ कंफ्यूज बट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, यह बताना चाहूंगा कि सर जितने भी यूथ आज इस देश में है वो सर बिट ऑफ कंफ्यूजन है होंगे कि आखिर कौन सी सरकार आएगी, क्यों है सर कंफ्यूजन, ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ओरेटरी स्किल्स की वजह से मुझे ऐसा। आज आप यहाँ पर हैं सर तो हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आज अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर होते हैं तो हम बीजेपी बीजेपी करते रहते। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी पटना गए, वह पटना में बात किए। आपका सवाल क्या है बेटा? यस सर, मैं क्वेश्चन नहीं आ रहा, दिस इज अ क्वेश्चन ओनली। राहुल गांधी जी पटना आए और उन्होंने बात किया मिनिमम इनकम गारंटी के बारे में, और उन्होंने बात किया सर पटना यूनिवर्सिटी को स्पेशल स्टेटस देने के लिए जाके ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी हमेशा नरेंद्र मोदी जी को जुमले के बारे में बात करते हैं, यह राहुल गांधी जी का कितना जुमला है और कितना सच्चाई है जिसे हम समझ सकते हैं कि यह आने वाले इलेक्शन में कुछ। आप किसी को बगैर मौका दिए असेस कैसे कर सकते हो? बताओ। अरे भैया ये तो वो ही बात हो गई, गेहूं खेत में बेटा पेट में, तुमने ब्याह की तैयारी कर ली। ऐसा नहीं होता। सुनो, मैं जो बात कर रहा हूं वो बड़े डंके की चोट पे कर रहा हूं। जिस इंसान को मौका ही नहीं मिला उसको आप असेस नहीं कर पाओगे। मोदी जी को एक वेव में मौका दिया गया, पूरी बहुमत के साथ मौका दिया गया, एब्सोल्यूट मजॉरिटी के साथ मौका दिया गया, तो फिर ये जो वेव थी, ये लहर थी, ये कहर कैसे बन गई? ये आम आदमी के लिए जहर कैसे बन गई? ये 1 करोड़ 10 लाख जॉब्स एक साल में कैसे थे पांव के नीचे से निकल गए? ये हताशा कैसे आ गई? इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई विकल्प हो, इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। ये वोट डालने का अधिकार आपको शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है दोस्त, ये ना समझना ये स्वाधीनता तुम्हें यूं ही मिली है, हर कली इस बात की खून पी के ही खिली है, बिछ गए वो नींव में, दीवारों के नीचे खड़े हैं ये महल अपने शहीदों के चिताओं के खड़े। इसलिए तुम, वोट का अधिकार तुम्हारे पास है, तुम उस वोट से अपना मुकद्दर बना सकते हो, इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकते हो मेरे दोस्त। और अपने आप को छोटा मत समझना, अपने आप को कंफ्यूज मत समझना, छोटे छोटे तिनकों से अगर उनको जोड़ लो ना, छप्पड़ बन के मूसलाधार बारिश रुक जाती है, छोटे छोटे छिद्र बड़े बड़े जहाजों को डुबो देते हैं, किसी अप्सरा की गाल पे छोटा सा तिल होना उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। एक छोटी चीज कोई नहीं है, एक छोटी सी चिड़िया, जंगल में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया जाके एक छप्पड़ से पानी लाती और उस आग को बुझाने की कोशिश करती, तो एक मोटा ताजा कौवा बैठा था, कह रहा चिड़िया रानी मैं तो समझता तुझे बड़ी सयानी, तू तो लिखनी बिल्कुल ही नया नहीं, कि तेरी बीच में जितना सा आता है पानी उससे क्या आग बुझने वाली है चिड़िया रानी, बेवकूफ है क्या? तो चिड़िया ने बोला कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों। इसलिए दोस्त
लड़ाई बुलेट की नहीं है, बैलेट की है। वोट से चोट करो और अपना मुकद्दर खुद बनाओ जिसे आप सोचते हो कि भाई मुझे ये विश्वास है कि ये कर देगा। लेकिन किसी को जज मत करो बगैर उसे मौका दिए। उसे मौका दो, उसे देखो कि वो 5 साल क्या कर सकता है, और ये भी देखो कि जब सत्ता थी उसने ली के ठुकराई। जब सरदार मनमोहन सिंह 5 साल, क्या 5 साल वो प्रधानमंत्री थे, तब सोनिया जी ने सत्ता ठुकराई। वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर जब 5 साल बाद फिर एक दूसरा मैंडेट मिला सरदार मनमोहन सिंह को, तो सरदार मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि राहुल गांधी शुड टेक ओवर, द यंग जनरेशन शुड टेक ओवर। तब भी सोनिया जी ने राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया और सत्ता का भोग करने नहीं दिया। लेकिन जब सत्ता चली गई दोस्त और विरोधी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लग गए, तब बेटे को धाएं धाएं खेलने के लिए आगे भेजा। ये किरदार होता है, ये किरदार होता है कि बुरे वक्त में जो आदमी सामने आता है तब वो लीडर कहलाता है। व्हाट इज अ लीडर? अ लीडर कन्वर्ट्स वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, एंड डिजास्टर इनटू ट्रायंफ। एंड दैट इज व्हाट राहुल गांधी हैज डन। और अब वो अकेले नहीं है दोस्त, एक और एक 11, बीजेपी 9-2-11। इंदिरा जी की छवि दिखती है प्रियंका जी। सो जमाना बदल रहा है, लेकिन जमाने को बदलने वाले तुम हो। तुम रुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, झुकते हैं पर्वत भी कहीं कहीं, रुकते हैं दरिया भी कहीं कहीं, बस रुकती नहीं रवानियां और झुकती नहीं जवानियां। समझा? झुकना मत, रुकना मत, और अपना वोट डाल के वोट से चोट करना और खुद का निर्णय खुद करना। Good afternoon, sir. I'm Resham Patel, a student council member of MITWPU. So my question is, sir, earlier you were in BJP and now you are in Congress. So what is the difference you find between both political parties? Very good question. You see, my goal in politics was always to serve Punjab. Wo mitti, jab main Punjab jata hu, mujhe lagta hai ki main apni माँ के साथ गले लग गया। वो मेरा एक भावनात्मक वो है। सो आई हैड एक्चुअली टोल्ड द बीजेपी कि आप अलायंस में इन चोरों के साथ खड़े हो, एंड आई मेंट द अकाली दल। द अकाली दल वॉज हैविंग अ शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 80-90 seats, एंड वी वर ओनली फाइटिंग ऑन 15 or 20 seats. So what would happen is that we would win almost 80% of our seats. The first election that I was there, we won 19 out of 23. The second election, we won 17 out of 23. And we actually brought the government to power because the Akali Dal was only taking 30 or 40. Aur hamari di gayi taakat, wo hamare sar pe juti bana ke barsate the. The alliance was not working properly. And they were into corruption, they were into drugs. We lost a generation to terrorism, we lost another generation to drugs, now from Punjab. So my goal fight elections on your own, or you do something so that we can share that power and not be somebody who's always being beaten, black and blue, exploited. It was not an equilateral alliance. That was the first difference. The second one was, I had won 3 elections from there. 3 elections on the trot in Amritsar when the conditions were not good. And when the Modi wave came, I was asked to go away from Punjab and fight from Kurukshetra. I told them, there cannot be any fruit without the root. I will not leave my root. I refuse to fight the election. And Jaitli Saab would come for me to Punjab, fighting from my seat, lost by 1,50,000 votes from Amritsar. That was ample testimony to the fact that the people were angry. Then to adjust me again, they gave me Rajya Sabha. And I put my foot down and I said, I will not campaign for these plunderers, for these looters, for these chores and dakus.
So they told me, either you campaign for them, the Akali Dal, or you stay away from Punjab. What a dialogue that was. Ya to tum Akali Dal ke saath campaign karo, ya phir Punjab ko bhool jao, sara desh tumhare saamne pada hai. I threw away that Rajya Sabha. Tell me one politician who's given up 6 years of Rajya Sabha ahead of him. The BJP chose dacoits in the Akali Dal. Navjot Sidhu chose Punjab, young lady. I chose Punjab then, I chose Punjab afterward. And I came back to the Congress. The Congress was a party that my father served for 42 years. And there was one BJP best, Baat Khatam Khatam. Thank you very much, Sidhu ji. And there's a small thing that I would request you to give us, a small photograph. If you stand here in the front, my students would be standing there. I'll give you a big photograph. My cameraman is standing right behind you, so just face him this side.